आज मैं आपको यूपी बोर्ड के क्लास 12th के मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी विषय के प्रश्न पत्र में अंक विभाजन क्या होगा और उसका पाठ्यक्रम क्या होगा और 70% जो पाठ्यक्रम रखा गया है कोविड-19 के कारण 30% जो पाठ्यक्रम हटाया गया है और 70% पाठ्यक्रम रखा गया है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर कितने अंकों का होता है यानी अंक विभाजन। मनोविज्ञान में केवल एक प्रश्न पत्र होता है जो कि 100 अंकों का होगा। इसमें उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करने होंगे। प्रश्न पत्र की अवधि 3 घंटे 15 मिनट की होगी यानी 3 घंटे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए और 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। ये अलग बात है कि आप इस समय का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट या मैनिपुलेशन कैसे करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन पेपर में 5 तरह के प्रश्न होंगे जिनमें प्रश्न संख्या 1 ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पी होगा। इसमें कुल 5 प्रश्न होंगे और 4 ऑप्शन होंगे यानी 4 उत्तर होंगे जिनमें 3 उत्तर गलत होंगे, 1 उत्तर सही होगा। सही उत्तर को छांट कर आपको लिखना होगा। प्रश्न संख्या 2 से लेकर 6 तक यानी कुल 5 प्रश्न हुए निश्चित उत्तरीय प्रश्न हैं। इन निश्चित उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर आपको एक वाक्य में या फिर एक शब्द में देना होगा। प्रश्न संख्या 7 से 12 यानी कि ये भी 5 प्रश्न हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जिनको 10 शब्दों के अंदर आपको उत्तर इनका लिखना होगा। प्रश्न संख्या 13 से 18 6 प्रश्न होंगे जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। इनका उत्तर आपको कम से कम 50 शब्दों में देना होगा। और प्रश्न संख्या 19 से 21 तक 3 प्रश्न होंगे जो कि दीर्घ उत्तरीय हैं और इनका उत्तर 250 शब्दों समय की सीमा के अंदर आपको देना होगा। अब हम अंक विभाजन देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न कितने अंकों के होते हैं और उस पर हमें कुल प्राप्तांक कितने मिलते हैं। तो सबसे पहला है बहुविकल्पीय, 5 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न पर एक अंक होता है, कुल अंक होते हैं 5। निश्चित उत्तरीय प्रश्न जो कि एक वाक्य में उत्तर लिखना होता है, इनमें 5 प्रश्न होते हैं और हर प्रश्न अगर सही है तो एक अंक दिया जाता है। इस प्रकार से कुल 5 अंक होते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिनकी शब्द सीमा 25 शब्द होती है और इसमें 6 प्रश्न होते हैं जिसमें से प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होता है और कुल अंक होते हैं 24। इसी प्रकार से लघु उत्तरीय प्रश्न जिनको आपको 50 शब्दों में लिखना होता है, इनकी प्रश्न संख्या होती है 6 यानी कुल 6 प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे लघु उत्तरीय और हर प्रश्न 6 नंबर का होगा तो कुल 36 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। और 5वें तरह के प्रश्न हैं दीर्घ उत्तरीय जिनका उत्तर आपको 250 शब्दों में देना होगा और इसमें 3 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न पर 10 अंक होता है यानी कुल 30 अंक के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। यहाँ मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि बाकी जितने भी प्रश्न हैं यानी 1 से लेकर 4 तक इनमें कोई भी ऑप्शन नहीं होता। ऑप्शन का मतलब कि जो प्रश्न दिया है उसका उत्तर आपको लिखना होगा, लेकिन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं वो अथवा के रूप में होते हैं यानी पहला प्रश्न होगा उसमें 2 प्रश्न होंगे, उन दोनों में से कोई एक करना होगा। दूसरा दीर्घ उत्तरीय उसमें भी 2 प्रश्न होंगे अथवा करके, उन दोनों में से आपको एक करना होगा यानी कुल टोटल 6 प्रश्न होंगे और 2 2 के अथवा में होंगे तो आपको कुल 3 प्रश्न इस प्रकार से करने होंगे। और इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो 100 अंकों का होता है जिसमें से आपको पास होने के लिए 33 नंबर ज़रूरी होते हैं। अब मैं आपको पाठ्यक्रम बता देती हूँ। कक्षा 12 का पाठ्यक्रम जो है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है, केवल एक चीज़ जो नई आई है वो ये कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक पाठ्यक्रम जो है वो आपका चूंकि सत्र देर से शुरू हुआ था इसलिए छात्रों के हित में विद्यार्थियों के हित में ध्यान को रखते हुए शासन के द्वारा बोर्ड के द्वारा
कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हटा दिए गए हैं। तो वो कौन से टॉपिक्स हैं? लगभग 30% टॉपिक हटाए गए हैं, 30% कोर्स कम किया गया है, जिसमें आपका इकाई एक जो कि व्यवहार के दैहिक आधार है उसमें संधि स्थल और तंत्रिका आवेग को हटाया गया है। इसी प्रकार से इकाई तीन जो कि स्मृति एवं विस्मरण है इसमें से भाषा संप्रति को हटाया गया है। और एक्सपेरिमेंट जो है यानी मनोविज्ञान में प्रयोग जो कि इकाई पाँच है इसमें से एक प्रयोग हटा दिया गया है, द्विपार्श्विक अंतरण, और एक प्रयोग रखा गया है। दो ही प्रयोग थे जिसमें से एक हटा दिया गया है और एक को कोर्स में रखा गया है। इकाई संख्या नौ मनोविज्ञान में परीक्षण, इसमें रुचि परीक्षण को हटाया गया है। कुल तीन परीक्षण थे जिसमें से एक को हटा दिया गया है और दो को रखा गया है। और इकाई संख्या दस प्राकृतिक आपदाएँ, इसमें जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं उसमें से तूफान को हटाया गया है। तो ये जो आपका कोर्स 30% कम कर दिया गया है, इसके बाद जो बचता है वो 70% पाठ्यक्रम ये दिया हुआ है जिसको कि आपको पढ़ना है। ये 70% पाठ्यक्रम में आप इसको ध्यान दे लीजिएगा कि हर इकाई से यानी हर यूनिट से कितने अंक के प्रश्न आएंगे ये दिया हुआ है। जैसे यूनिट नंबर एक है व्यवहार के दैहिक आधार, उसमें से कुल 8 अंक के प्रश्न आएंगे। अब ये 8 अंक के प्रश्न में से बहुविकल्पी भी हो सकता है कोई प्रश्न, यानी एक अंक का लघु उत्तरी भी हो सकता है या फिर अति लघु उत्तरीय भी हो सकता है। तो टोटल 8 अंक के प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे। इसी तरह से आप देख सकते हैं इकाई 2 से 15 अंक के, इकाई 3 से 12 अंक के, इकाई 4 से 9 अंक के, इकाई 5 से 6 अंक के, इकाई 6 से 15 अंक के, इकाई 7 से 10 अंक के, और इकाई 8 से 12 अंक के, इकाई 9 से 6 अंक के, और इकाई 10 से 7 अंक के प्रश्न आएंगे। अब ये प्रश्न विभिन्न रूपों में हो सकते हैं, अति लघु रूप में भी हो सकते हैं, बहुविकल्पी भी हो सकते हैं, निश्चित उत्तरी भी हो सकते हैं, दीर्घ उत्तरी भी हो सकते हैं। ये जो टोटल कोर्स है इसको आप सेव करके रख लीजिएगा और ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो, क्योंकि जो पुस्तकें छपी हैं वो पुस्तकें इस आदेश, ये जो कोविड-19 के कारण पाठ्यक्रम आपका कम किया गया है 30%, इस आदेश के आने से पहले ही पब्लिश हो चुकी थी। तो आपको उस पुस्तक में यह कम किया हुआ कोर्स नहीं मिलेगा, इसलिए इस कोर्स को यानी पाठ्यक्रम को आप अपने पास सुरक्षित करके रख लीजिएगा। धन्यवाद।